हाँ ला, न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, करो बैठ के इसको कोशिश। कितना दे रखा है, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 200 मीटर टॉल टावर, ठीक है। स्टोन, पार्टिकल, कुछ भी दे, ऑब्जेक्ट दे, कुछ भी वर्ड दे सकते हैं, ठीक है। हाइट कितनी दे रखी है, 200 मीटर। ये हाइट कितनी दे रखी है, 200 मीटर, ठीक है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, चलो ठीक है। फिर क्या दे रखा है, उसी टाइम पर यहाँ नीचे से भी किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल किया जाता है, ठीक है, फेंका जाता है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी के साथ, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कुछ दे रखा है इसके अलावा, दो ही चीज़ें दे रखी, 200 और 50, उसके अलावा कुछ नहीं दे रखा है। चलो, उसने ये पूछा है कि मान लो ये यहाँ से ऊपर गया पार्टिकल, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और इसी टाइम पर ऊपर से एक पार्टिकल नीचे की तरफ गिर रहा है, दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पर क्रॉस हो रहे हैं, यही पूछा है। व्हेन एंड वेयर दे मीट इच अदर, मीट का मतलब एक दूसरे को किस पॉइंट पर क्रॉस करेंगे। इसके बाद तो ये नीचे आ जाएगा और इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, जहां तक हाइट कवर करेगा उतनी कवर करेगा, वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो किस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो हमने मान लिया यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स मीटर, तो बोलो ये कितनी हो जाएगी, 200 माइनस एक्स। इतना तो समझते हो कि हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक ये एक्स मीटर है, तो बचा कितना होगा, टोटल कितना है, 200 में से एक्स माइनस कर दो, 200 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। बोलो टाइम कॉमन रहेगा क्या दोनों में, क्या अलग अलग रहेगा, टी वन टी टू माने कि टी कॉमन रहेगा, टाइम कॉमन रहेगा, क्योंकि एक ही टाइम पर दोनों मिलेंगे, जिस टाइम पर ये यहाँ जा रहा उसी टाइम पर ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो टाइम दोनों में कॉमन है टी और टी, ठीक है। इसकी कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यू इक्वल टू जीरो, इसमें वी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। फाइनल इसकी जीरो हो जाएगी। अब देखो ये पूछा है किस इक्वेशन का यूज करते हैं, हाइट दे रखी है, तो इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, तीन इक्वेशन है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक क्या दे रखा है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। टाइम भी पूछा है ना इसमें, टाइम और डिस्टेंस एक्स ये पूछा है, ठीक है। तो टाइम तो टी, ये कैलकुलेट करना है टी टाइम, और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब बोलो इक्वेशन कौन सी यूज करें, सबसे पहले सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक चीज़ देखो, ये मोशन कौन सा है, और एक डिफरेंस रह गया, ये मोशन कौन सा है, इस ऑब्जेक्ट का अपवर्ड के डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मोशन है ना, ये तो ये डाउनवर्ड मोशन है, ठीक है। ये वाला ये अपवर्ड मोशन है, ठीक है, ये डिफरेंस है। अब देखो सबसे पहले टाइम निकालते, टाइम जल्दी निकल जाएगा, यहाँ इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक जाने में टाइम, उसी टाइम पर ये वाला यहाँ नीचे भी आ गया होगा, तो यहाँ तक की हाइट कितनी है, 200 माइनस एक्स। पहली इक्वेशन बनाते हैं केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट कौन सा है, मोशन कौन सा, अपवर्ड ले लेते हैं, अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में तो समझ जाओगे कौन से ऑब्जेक्ट की बात करें, जो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, केस फर्स्ट फॉर अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन ले लो, ठीक है। कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज कर दिया। बोलो डिस्टेंस कितनी है, 200 नहीं लेनी है, अभी तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये हाइट कितनी है, 200 माइनस एक्स, ठीक है, 200 माइनस एक्स। इनिशियल वेलोसिटी है इसके पास, है, बट अपवर्ड की बात कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 50 इंटू टाइम कितना है, तो टाइम कितना मान लिया, टी। बोलो प्लस आएगा कि माइनस, माइनस, क्योंकि मोशन कौन सा है, अपवर्ड, हाफ इंटू जी, ठीक है, जी की वैल्यू हमको पता है, यहाँ 10 रख दो, ठीक है, 10 टी स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 200 माइनस एक्स इक्वल टू 50 इंटू टी, डायरेक्ट लिख दो, ये कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार, माइनस 5 टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर एक। इसमें तो दो अननोन वैल्यू है, सॉल्व नहीं हो सकता, एक्स भी है और टी भी है, ऊपर से टी स्क्वायर भी है, सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। केस सेकंड ले लेते हैं, केस सेकंड कौन सा मोशन हो जाएगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मोशन। इसकी बात करते हैं, वापस वही इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ 80 स्क्वायर। मोशन डाउनवर्ड है, ऊपर से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, x, x इक्वल टू ut कितना है, तो ut हो जाएगा जीरो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। यहाँ प्लस होगा तो प्लस होगा हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा x इक्वल टू हाफ, सॉरी ये कितना आ जाएगा 5 टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, दोनों का यूज करके निकाल सकते हैं क्या किसी की वैल्यू, टी स्क्वायर। ठीक है, दोनों का यूज करके निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, अगर इक्वेशन एक और दो का यूज करते हो तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 टी स्क्वायर, यहाँ कितना है माइनस 5 टी स्क्वायर, दोनों को अगर जोड़ोगे तो भी माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 50 टी भी है, 200 माइनस एक्स है, इधर कितना है एक्स, इधर वाला जोड़ा एक्स कट रहा है क्या, अगर एक्स कैंसिल हो जाता है तो टी अपना आ रहा है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ते हो, देखो यहाँ पर 5 टी स्क्वायर किसका है प्लस का, यहाँ 5 टी स्क्वायर किसका है माइनस का, ये तो कट गया, 50 टी बचेगा क्योंकि इसके साथ कोई है नहीं, इक्वल टू के इधर देखो 200 माइनस एक्स है, इधर एक्स है, जोड़ना ही तो है, ये प्लस का नहीं है माइनस का, एक्स भी कैंसिल, तो बचा क्या सिर्फ टी, निकाल सकते हैं टी। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन कौन सी है 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर एक और दो को यूज करो, जोड़ना ही है तो 200 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है इधर 50 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, और बराबर के नीचे इधर कौन है, इधर तो है x, यहाँ तो जीरो हो गया, कुछ है ही नहीं, और यहाँ कितना है प्लस 5 टी स्क्वायर, ये माइनस 5 ये प्लस 5 कैंसिल, ये माइनस x प्लस x कैंसिल, कितने बचे 200 इक्वल टू कितना है 50 इंटू टी, तो टी इक्वल टू कितना जाएगा 200 डिवाइड बाय 50, तो लगभग कितना आ जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल 4, और यूनिट आ जाएगी सेकेंड, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड लगे इसको। ठीक है, अगर टी की वैल्यू है आपके पास तो क्या एक्स निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं, निकाल दो, अगेन यूजिंग कौन सी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर दो, बाद में उतार लेना एक बार देख लो, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा तो 5 इंटू टी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 5 कितना होता बोलो, 80 कंफर्म, 80 मीटर सेंटीमीटर के क्या था मीटर, तो 80 मीटर। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस पूछे तो कितनी हो जाएगी, ग्राउंड से ऊपर से 80 तो नीचे से 120, ठीक है 80 और 120 मीटर दोनों डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है 120 यही कहा था तुमने आंसर शायद, ठीक है उतार लो, हो गया तेरे, हो गया था तेरे, 3 लोगों के हुआ था, और कोई था जो आसपास था इसके जिसने ऐसे दो इक्वेशन बनाई थी, थोड़ा बहुत सही था, आसपास भी नहीं था कोई इसके, तो फिर कहाँ थे, फिर आधे अधूरे वाले तो हाथ बहुत ज्यादा खड़े हुए थे जिन्होंने आधा कोशिश की, कोशिश की मतलब खाली सवाल का नंबर डाला सॉल्यूशन डाला और फिर बंद कर दिया, ऐसा ऐसी कोशिश तो नहीं किए गए हैं, विशाल किया था थोड़ा बहुत, आया ही नहीं था, आया ना कैसे करे बेटा, नहीं आया था तो काम करते रहना 3 चैप्टर तक का, कभी भी नोटबुक चेक हो सकती है। ठीक है, देख ही नहीं रहे सर तो तुम यूँ सोचो कि देखेंगे ही नहीं, देख नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं कि देखेंगे ही नहीं। ठीक है, अभी तक आपने जो किया वो आप जानो, अब मेरा मूड हुआ कि मुझे किसी एक ही बच्चे की नोटबुक चेक करनी है, पूरे दिन करनी है तो मैं पूरा दिन बैठ के करूँगा, एक एक लाइन देखूंगा, कोई भी लाइन एक भी लाइन कटी तो वो कट जाएगा। ठीक है, जितना पढ़ाया सब एक एक उतार लेना,
नहीं मिल रहा है तो इधर उधर आपके कोई व्यवहार बढ़िया हो, देख लेना ढंग का व्यवहार हो तो कोई देता हो नोटबुक, ठीक है, व्यवहार बढ़िया होगा तो दे देंगे नोटबुक, नहीं होगा तो ना कह देंगे मुंह पे ही, नहीं है काम बाकी है यूँ कह देंगे, डायग्राम बनाने बाकी है बहुत बहाने, सही नहीं किया तो समझ में नहीं आएगा यूँ कह देंगे, राइटिंग खराब है यूँ कह देंगे, पढ़ने नहीं आएगा तेरे को यूँ कह देंगे। जिनके हो गया और ढंग से नहीं उतारा तो वो भी उतार लेना, और थोड़ा इतना ध्यान रखना बोर्ड पे कि कहाँ से उतारना है वो, ठीक है, मैं लिखता ऐसा ही हूँ, आधा इधर ने आधा उधर ने, फिर थोड़ा ऊपर ने, फिर इधर कहीं जगह मिल जाती है, ताकि जिसको जिसको पता है कि भाई बोर्ड पे ध्यान दिया उसको पता है कि कौन सी स्टेप किसके बाद उतारनी है, नहीं ध्यान दिया है वो इधर उधर देखेगा भाई वो स्टेप सेकेंड वाली है वो कब उतारनी है वो, नहीं तो कुछ लोग तो ये पूरा पूरा इधर वाला सीधा फिर उधर वाला सीधा वैसे उतारेंगे। ला किताब देना और कुछ हो तो देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर दिया था क्या बाकी था? प्रोजेक्टाइल नहीं किया था, रिलेटिव मोशन हो गया था, प्रोजेक्टाइल पूरा बाकी है, प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल भी बाकी होंगे फिर तो। आइसक्रीम वाला नहीं हो तुमको, यूँ मन में यूँ हो रहा था ना आइसक्रीम वाला है, गुड्डी के बाल वाला कौन है? ये तो करा दिया था शायद मैंने वो गन सैंड वाला, तो 490 और 70 वाला स्टोन स्टॉप, ठीक है, डायरेक्शन वाला कर सकते हो आराम से, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाला वो मतलब नहीं है, पहले ईस्ट में जाता है फिर मुड़ता है वेस्ट में जाता है, कितनी डिस्टेंस पे होंगे वो फर्जी न्यूमेरिकल है, वो मतलब है नहीं। बाकी प्रोजेक्टाइल वाले हैं तीनों न्यूमेरिकल, 11, 12 और 13, एक न्यूमेरिकल और बचा है इसका, हो गया ये हो गया, बोलूँ बोलो लिखो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन द इफेक्ट ऑफ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन द इफेक्ट ऑफ, मूविंग पार्टिकल इन इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स, इन इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स इज गिवन बाय टी इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, इज गिवन बाय टी इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, लिखो फिर, वैन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, वैन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, वैन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, देन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, देन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। फिर से बोल रहा हूँ, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट लिख लिया वहाँ तक, फिर क्या लिखा, और टी क्या है, टाइम, तो टी लिखवाया नहीं है मैंने, टाइम है, ठीक है, पता होगा वो तो, वैन इट्स वेलोसिटी इज जीरो कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट,
जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये पूछा है, निकालो। टी इक्वल टू रूट एक्स प्लस थ्री दे रखा है, टी इक्वल टू रूट एक्स प्लस थ्री दे रखा है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे इसको? पहले तो एक्स की इक्वेशन क्या बनेगी वो बताओ, एक्स की इक्वेशन बनाओ। एक्स की इक्वेशन क्या बनेगी? तो रूट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी माइनस थ्री होगा कि नहीं होगा? रूट एक्स इक्वल टू टी माइनस थ्री। रूट एक्स है, एक्स चाहिए, एक्स क्या है, डिस्टेंस की इक्वेशन चाहिए हमको, तो हर हमेशा कौन सी इक्वेशन देते, डिस्टेंस की। एक्स इक्वल टू टी क्यू प्लस टी स्क्वायर, यही पढ़ा पढ़ने। तो एक्स कितना हो जाएगा, तो क्या करोगे, स्क्वायर, इधर स्क्वायर किया कितना हो जाएगा एक्स, टी माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस नाइन, टी स्क्वायर प्लस नाइन होगा, होल स्क्वायर होगा, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो टी स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन, और आगे क्या जुड़ेगा, माइनस टू ए बी कितना हो जाएगा, सिक्स इंटू टी। ये आगे इक्वेशन हर बार हमको ये इक्वेशन देता है, लेकिन इस बार थोड़ा घुमा फिरा के ये दे दिया। तो कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू निकाल दूँ, कैसे निकालोगे, थ्री को उधर लेके स्क्वायर कर दिया, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स टी। अब आपको क्या निकालना है, डी एक्स अपॉन डी टी। बोलो डी एक्स अपॉन डी टी किसकी वैल्यू देता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसकी वैल्यू देता है, वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी तुमको कितनी दे रखी है, जीरो। जब वेलोसिटी जीरो हो जाए तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है, निकालो। पहले तो ये निकालो, आप वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल के बताओ कितनी आ रही है, वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल के बताओ, वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल कर बताओ, ठीक है। ये पुराना, ये उतार मत लेना, ये पुराना है। ऐसा कोई है तो नहीं कि जिसने अभी तक नोटबुक बनाई नहीं है, है? नहीं बनाई है, कब बनाएगा तू, कब बनाएगा, है 12वीं में जाएगा तब बना, संडे आ रहा है, छुट्टी है पूरा दिन। डंकी नोटबुक लाना, मीडियम साइज की, ज़्यादा बड़ी भी नहीं चाहिए, एकदम पतली भी नहीं चाहिए, ठीक है। हवा करने काम आए ऐसी मत लाना, मीडियम साइज की, ठीक है। क्या करना है, डी एक्स अपन डी टी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। टी स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स टी करो, डिफरेंशिएशन कितना आएगा, और कोई है इसके अलावा, इसका साथी, बिना नोटबुक वाला नोटबुक बना ही नहीं है, कर्मवीर बना ली, वेरी गुड। नाम लिखा, स्कूल का नाम, तेरा नाम, मेरा नाम लिखा, मेरा नाम नहीं लिखा, नहीं नंबर कट जाएंगे। और विशाल नोटबुक बनाइए, हाँ खाली खरीद लिए तो जो सर मांगेंगे उनको दे दूंगा, ये आपकी है सर, यूँ करेंगे, है वही क्या है, काम किया है थोड़ा ने बहुत, थोड़ा किया है बहुत किया है, ये कौन सा था, बिल्कुल थोड़ा बहुत, या तो थोड़ा सा काम किया होगा या बहुत किया है, ठीक है। बोलो कितना हो जाएगा इधर, किसी का आया आंसर, ठीक है। टी स्क्वायर पावर में कितना है, टू, किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो टू और टी, और पावर में एक माइनस करना है, दो में से एक गया है, कितना बचेगा, एक। नाइन क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो, ठीक है। माइनस सिक्स टी है, टी की पावर वन है, एक आगे आ जाएगा, सिक्स में वन का मल्टीप्लाई सिक्स, पावर में एक माइनस करेंगे, टी की पावर जीरो कितना होता है, वन, तो यहाँ क्या बचेगा, सिक्स, सिक्स टी का सिक्स हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर दें, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूँ इतना। तो वी इक्वल टू कितना आया, टू टी माइनस सिक्स, वेलोसिटी को क्या मानना है, जीरो दे रखा है, तो वेलोसिटी जीरो करेंगे तो यहाँ किसकी वैल्यू आ रही है, टी की, निकाल रहा हूँ। टू टी इक्वल टू कितना हो गया, टू इंटू टी इक्वल टू सिक्स, तो टी इक्वल टू कितना आया, सिक्स अपॉन टू कितना आया,
3 सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है 3 सेकेंड। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तब टाइम कितना होगा 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड टाइम हो रहे हैं तो एक्स कितना होगा, अगेन एक्स की वैल्यू पूछा उसने, तो रखो यहाँ पर एक्स इक्वल टू, टाइम दे रखा है 3 सेकेंड, तो 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, एक्स इक्वल टू कहाँ से जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है क्या, हाँ ये कितना होगा 9 प्लस 9 माइनस 18, तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ये ख़त्म। लगभग न्यूमेरिकल हो गए, अब प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल बाकी है, कल पढ़ेंगे।